हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, हमने मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं और आज का टॉपिक है हमारा संख्याओं की विभाजकता की जांच, या फिर हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी रूल। फ्रेंड्स, अगर आपने टीईटी का पहला कोई पेपर देखा होगा या इससे पहले कोई पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि हमें बहुत बड़े बड़े नंबर दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है ये नंबर कौन सी संख्या से विभाजित होंगे। तो आज मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ जिनके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर किस संख्या से विभाजित होगा। सबसे पहले अगर हम दो की बात कर लेते हैं तो अगर किसी संख्या के इस अंत में या फिर हम कह सकते हैं इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, भले ही वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं, 244, 566, 278, 130, ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इनके लास्ट में 4, 6, 8 और 0 दिया हुआ है। अब दोस्तों हम देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या हम कैसे पहचानते हैं। हमें अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और उस नंबर के अगर हम सभी डिजिट को या फिर उसके हम सभी संख्याओं को आपस में जोड़ें और वो जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, ऐसी ही संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखते हैं 312। इसमें देखिए, अगर हम 312 को ऐड करें 3, 2 और 1 को तो कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 क्या है, जो कि 3 से डिवाइड है। अब हम देखते हैं 213, 213 को भी अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, जो 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर हम देखेंगे 456 को तो इन तीनों नंबर को जोड़ने पे 15 आएगा, 6 और 5, 11 और 4, 15, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। दोस्तों ये सारे नियम या तो आप एक जगह नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कि हमें कैसे पता लगेगा ये नंबर 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट या फिर अंत की 2 संख्याएं या हम ये कह सकते हैं इकाई और दहाई कि अगर संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हों तो वो नंबर 4 से विभाजित होगा। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसमें अगर हम इकाई और दहाई की वैल्यू देखें या फिर हम लास्ट के 2 डिजिट देखें तो 32 4 से विभाजित हो जाता है। ऐसे ही इस वाले में 12 4 से विभाजित हो जाता है और 1348, इसमें 48 भी 4 से विभाजित हो जाता। तो दोस्तों इन संख्याओं में हमें पूरा नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम केवल लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे और जिससे कि हम बता देंगे 4 से विभाजित होगा या नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, और प्लीज़ नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। ये पार्ट 1 था, आगे के विभाजित के रूल मैं आपको आगे बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।